नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई वाला, नर्स, फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों के बारे में। इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी इन वैकेंसीज के बारे में हम आपको देंगे। अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो टोटल इसमें 38 पद भरे जाएंगे और ECHS हमीरपुर में टोटल 10 पद भरे जाएंगे, जिसमें से नेम ऑफ द पोस्ट है OIC के लिए एक पद भरा जाएगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए भी एक पद भरा जाएगा और मेडिकल ऑफिसर के लिए भी 3 पद भरे जाएंगे। जीनोकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार के लिए टोटल एक एक पद भरा जाएगा और ECHS ऊना में भी 10 पद भरे जाएंगे। यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट का एक पद, मेडिकल ऑफिसर के 2 और डेंटल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, चौकीदार का एक एक पद भरा जाएगा और ECHS बिलासपुर में 4 पद भरे जाएंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सभी के लिए एक एक पद भरा जाएगा और ECHS बड़सर में 6 पद भरे जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर के 2, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला, लैब टेक्नीशियन के लिए एक एक पद भरा जाएगा और ECHS घुमारवीं में टोटल 8 पद भरे जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर के 2, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला, डेंटल ऑफिसर, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, सभी के एक एक पद भरे जाएंगे। तो अब इसमें बात की जाए इन वैकेंसीज के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन MBBS, साथ में आपकी एज मैक्सिमम 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें आपको 75,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और डेंटल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन BDS और मैक्सिमम एज आपकी 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सैलरी आपको 75,000 इसके लिए भी दी जाएगी। और फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन BPharmacy और मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर और आपको सैलरी इसमें 28,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन GNM, साथ में आपकी मैक्सिमम एज 55 ईयर और 28,100 रुपये आपको पर मंथ इस पोस्ट के लिए सैलरी दी जाएगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप ओनली +2 पास होने चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको 28,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और चौकीदार के लिए ओनली आप 8वीं पास होने चाहिए, इसके लिए भी आपकी मैक्सिमम एज 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको 16,800 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रहने वाली है। और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा और उसको फिलअप करके आप इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं, साथ में अपने सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फ़ोटो कॉपीज को इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आप इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में आप अपने सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर लेके जाएँ। और अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर यह कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं इन वैकेंसीज के बारे में सभी क्लियर हो जाएं। सो इन वैकेंसीज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।